चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाला शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो अब रानू मंडल के नाम से वाकिफ ना हो। लता मंगेशकर के गाए एक प्यार का नगमा गाने को गाकर रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बनी रानू की जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि दुनिया ही बदल गई है। संगीत निर्देशक हिमेश रेशमिया ने उन्हें अपनी आने वाली फिल्म हैप्पी हांडी हैंड ईयर में गाने का मौका दिया है। मगर अब रानू के बारे में कैसी खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि रानू की सुरीली आवाज का वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ था जो हिमेश रेशमिया ने एक सिंगिंग रियलिटी शो में उन्हें बकायदा बुलाकर गाना गवाया और ऐलान किया कि उनकी आने वाली फिल्म में गाना गवाएंगे। हिमेश ने अपना वादा भी निभाया और उनकी आने वाली फिल्म में रानू ने तेरी मेरी कहानी का गाना रिकॉर्ड किया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है जिसे हर कोई काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया में अब चर्चा जोर शोर से है कि भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव मदद के लिए आगे आए हैं और उन्हें 20 लाख रुपए का मदद करने की बात कही जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि खेसारी लाल यादव अपने आने वाली फिल्म में एक गाना भी गवाने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें कि इन खबरों की अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव वैसे अपनी दरिया दिल्ली के लिए भोजपुरी में काफी ज्यादा मशहूर है और वो अक्सर जरूरतमंदों की मदद करते रहते हैं। रानू पश्चिम बंगाल के रानाघाट की रहने वाले हैं और वहीं स्टेशन पर फिल्मों के गाने गाकर गुजर बसर करती थी। इसी दौरान स्थानीय युवक ने उनका वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया जो कि खूब ज्यादा वायरल हो चुका है और अब वो स्टार बन चुकी है।